नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी SSSC ANM 2022 भर्ती परीक्षा को लेकर के यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। इसके पहले हमने कट ऑफ का वीडियो बनाया था, उसके बाद उसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को लेकर के या फिर रिवाइज्ड आंसर की आएगी, किन प्रश्नों पर आपत्ति है, कितने नंबर बढ़ सकते हैं व कुछ अन्य सूचनाओं के साथ। और ये तीसरा वीडियो है जिसमें हमने आपके सभी प्रश्नों को शामिल किया है और मेरे अपने स्तर से जितनी सही और ऑथेंटिक जानकारी हो सकती है और यूपी SSSC आयोग के जो रूल है या जो परीक्षा कराने का या फिर जो उसमें विसंगतियाँ होती हैं उनको लेकर के उनका क्या रूल है, ये सभी बातों का ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर लगभग आप सभी के कमेंट, शायद ही कुछ कमेंट छूटे हों, सभी के कमेंट का हमने रिप्लाई भी किया हुआ था। तो एक बार हमें यहाँ पर आवश्यक लगा। और इसके अलावा ऐसे और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स और भी हो सकते हैं जिनके साथ ये समस्या हो सकती है या फिर कट ऑफ को लेकर के आपके मन में सवाल हो सकता है या फिर आगे रिजल्ट डेट को लेकर के रिवाइज्ड आंसर की में कितने कॉमन नंबर मिल सकते हैं, इन सभी सवालों ये सभी सवाल आपके मन में भी हो सकते हैं। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो। चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर जितने भी संविदा वाले, आप में से जितने भी संविदा वाले लोग होंगे और उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, तो संविदा वाला आप सभी जानते हैं कि इसमें जो सरकारी हॉस्पिटल में है वहाँ का जो आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, पर ईयर में 3 अंक आपके जुड़ेंगे मेरिट में, मेरिट बनने से पहले आपके अंक जुड़ेंगे। और प्राइवेट वाला देखिए उसमें नहीं है, सरकारी वाला है और नोटिफिकेशन के हिसाब से जो भी चीज़ें यहाँ पर है वो देखी जाएंगी। तो यहाँ पर 2 साल है मतलब 6 अंक इनके जुड़ जाएंगे, यहाँ पे इनका कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो ओबीसी कैटेगरी है, तो जनरल और ओबीसी में अगर संविदा कर्मी जितने हैं एग्ज़ाम देने वाले, हालांकि कुछ साथियों ने ये भी रिप्लाई किया हुआ है कि संविदा के लगभग 70-80% लोग हैं, तो इस हिसाब से लगभग 16,500 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो इस हिसाब से तो इसमें लगभग 8 से 10 हज़ार हो सकते हैं संविदा कर्मी और 9,212 यहाँ पे टोटल सीट हैं। और अगर ऐसा हुआ तो जनरल ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 50 तक भी जा सकती है। 40 तो हमने तब बताया था कि जब संविदा कर्मियों की संख्या, अधिकतम संख्या इनकी 4 से 5 हज़ार तक हो, तो 40-42 तक, अधिकतम 45 तक हो जाना चाहिए जनरल ओबीसी में। जनरल में हो सकता है 44, 43, 45 तक जाए, क्योंकि देखिए जितने भी आप देखेंगे यूपी SSSC की जो कट ऑफ जा रही है लगभग जनरल ओबीसी का सेम कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है, इसीलिए मैं बार बार जनरल ओबीसी का एक साथ ही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि ये आवश्यक नहीं होता है, लेकिन अगर ओबीसी के कैंडिडेट्स इनकी संख्या भी पर्याप्त होती है तो उस स्थिति में कट ऑफ सेम रह सकता है जनरल के बराबर। EWS में, ST में, फ्रीडम फाइटर में, एक्स सर्विस मैन में, कितने भी हाई कट ऑफ हाई मार्क्स वाले आप में से हों, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबका हो जाना है, शायद ही इसमें कुछ लोग छूटेंगे, सबका हो जाना है लगभग। EWS कैटेगरी में भी हो सकता है कुछ लोग छूटें, अदरवाइज सबका हो जाना है। और बाकी जिनके अच्छे मार्क्स होंगे वे लोग ओवरलैप करेंगे अनरिजर्व की सीटों पर, जो क्राइटेरिया है अनरिजर्व की फुलफिल करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, EWS कैटेगरी है, हो जाएगा आराम से, हमने लगभग आप सभी की रिप्लाई कर दिया है। कुछ सवाल यहाँ पर जो हमने अलग से लिया है उसको ज़रूर यहाँ पर देखेंगे। एक देखिए यहाँ पर पूछना था कि EWS जो कैटेगरी है, एडमिट कार्ड पे तो मेंशन था नहीं, तो आपने PET में EWS के अंतर्गत अप्लाई किया होगा तो वो फिर आपका EWS में ही आप काउंट होंगे, ANM में भी। इसके आगे देखिए, फिर मेरा EWS बना हुआ है बट फॉर्म में यहाँ पे कुछ करेक्शन शायद है, करेक्शन नहीं हो पाया है, क्या करें आप बताएं। अगर आपने PET में EWS आपने अप्लाई किया, PET में अगर आपने EWS कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर भी आपको मिलना चाहिए। अगर आपने, चूँकि उसमें ऐसे कैटेगरी देखा जाए तो जनरल है और उसमें आप ये पूछा जाता है कि क्या आप आर्थिक रूप से, जो उसमें EWS का एक सेक्शन होता है यस नो करना होता है, वहाँ पर यस टिक करना होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। संविदा का देखिए पर ईयर के हिसाब से 3 अंक जुड़ना है, अधिकतम 5 साल का 15 अंक और इससे ऊपर 6 साल 7 साल कितना भी हो 15 अंक ही मिलेंगे आपको अधिकतम, और कुछ महीने का नहीं देखा जाएगा, उसमें आपका ईयर कंप्लीट होना चाहिए, तो ईयर के हिसाब से ही पर 3 नंबर आपको मिलेंगे।
नेगेटिव मार्किंग था ही, नेगेटिव मार्किंग निकालने के बाद ही आपको अपने मार्क्स शेयर करने थे, और उसी के हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए एक सवाल मिल गया यहाँ पर महत्वपूर्ण। ओएमआर शीट में बुक सीरीज जी था बट भरे नहीं है, क्या कॉपी चेक होगी? देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर इनवैलिड सीरीज का मामला हो जाएगा। ओएमआर भरने में आपको कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, और मैं ये देख रहा हूँ कि एएनएम एग्ज़ाम, देखिए बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं लेकिन इतनी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। एएनएम में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, ओएमआर में या फिर फॉर्म भरने में गलतियाँ हुई हैं, कैटेगरी या कुछ किसी और चीज़ में गलतियाँ हुई हैं, या फिर जैसे किसी एक मित्र का कमेंट आया था 2010 की जगह 2002 फिल हो गया, तो कुछ चीज़ें तो आपकी हलफनामा से एफिडेविट से चल जाएंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, जब आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा रिजल्ट आने के बाद। लेकिन अगर आपने सीरीज नहीं भरा तो फिर ये कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने कौन से सीरीज का क्वेश्चन पेपर किया है? तो किस सीरीज के आंसर बुक से वो जो स्कैनिंग होगी आपकी ओएमआर शीट की, वो कैसे आपकी कॉपी चेक होगी, ये समस्या होती है। तो यहाँ पर देखिए दिक्कत हो सकती है, बाकी इसमें आपके पास एक ही सलूशन है कि आप पहले से ही जो है आयोग को आप मेल कर दें, या फिर आयोग में आप जाकर के एक आप वहाँ पर लेटर दे लें, एक निवेदन कर सकते हैं आप। बाकी होने के चांस बहुत कम होता है इन सब कंडीशन में, लेकिन कोशिश करना चाहिए, कोशिश करने के लिए कभी भी आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ओएमआर कॉपी पर जो सेंटर कोड था अंक सही है पर गोला डबल हो गया तो क्या कॉपी चेक होगी? देखिए जो सेंटर कोड वाला है उसमें हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, यूपी ट्रिपल सी की कॉपी चेक होनी चाहिए, और मे भी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। तो इसमें भी आपको सेम वही काम करना है कि आप मेल कर दीजिए आयोग को अपनी पूरी डिटेल्स लिख करके, आपका रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर और जो गलती हुई आप वो लिखते हुए, और इसके अलावा आप जा करके प्रत्यक्ष जा करके आप आयोग में भी आप एक प्रत्यावेदन दे सकते हैं कि आपके ऊपर है, कोई भी छोटी सी छोटी गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए किसी का कहना है कि 2000 से 3000 तो खाली कास्ट सर्टिफिकेट में बाहर हो जाएंगे क्योंकि किसी ने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा अभी तक भी एडवर्टाइजमेंट। देखिए ये बात मैं भी स्वीकार करता हूँ कि विज्ञापन अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, जो विज्ञप्ति आती है एडवर्टाइजमेंट, अगर हमने नहीं सही से नहीं पढ़ा है तो बहुत सारी गलतियाँ होने के चांस रहते हैं। जैसे देखिए जाति है तो जाति आपका ये पिता वाला पक्ष वाला चलता है विवाहित महिलाओं के लिए, तो यहाँ पे सभी महिलाएं हैं तो सभी के लिए यहाँ पर लगभग लगभग मुझे लग रहा है कि 70-80% विवाहित होंगी या फिर ज़्यादा भी हो सकती हैं, कोई उसका डाटा नहीं है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बस एक मैं अनुमान के अनुसार बता रहा हूँ चीज़ें। तो इसमें पिता पक्ष वाला ही चलता है, पति वाला पक्ष वाला इसमें शायद नहीं लेंगे, और ये नोटिफिकेशन में लिखा होता है। अभी आप देखेंगे यूपी बीएड का फॉर्म भरा जा रहा है, उसमें लिखा है स्पष्ट रूप से कि जाति और आय प्रमाण पत्र, वहाँ पर आय भी लगता है फीस रिफंड वगैरह बाद में के लिए, तो वहाँ पे दोनों जो है पिता पक्ष वाला चलेगा, पति वाला नहीं चलेगा वहाँ पर। तो ये सब गलतियाँ देखिए छोटी से छोटी गलती होती है, लेकिन आपकी महीनों की मेहनत और कई साल की प्रतीक्षा, एक तो भर्ती आपकी हो रही थी एएनएम की, पीईटी में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग पीईटी नहीं दे पाए होंगे, कई सारे रीजन हो सकते हैं, उसके बाद अगर यहाँ पे कोई गलती हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं पछतावा होता है बहुत ज़्यादा। पीईटी जनरल था और एएनएम में ईडब्ल्यूएस लगाया था, मान्य होगा ईडब्ल्यूएस? तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन है, हालांकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि हो सकता है कि पीईटी के समय आपने जनरल में ही दिया हो उस समय, क्योंकि फिर आप जनरल के कट ऑफ पर आप यहाँ पर एलिजिबल हुए हैं एएनएम के लिए, ध्यान दीजिएगा आप एएनएम में जनरल के कट ऑफ पर आप एलिजिबल हुए हैं, तो फिर आपने एएनएम में ईडब्ल्यूएस लगा दिया, तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपका ईडब्ल्यूएस ही माना जाएगा। एडमिट कार्ड में ईडब्ल्यूएस किसी के लिखा हुआ नहीं आ रहा था, सभी के लिखा हुआ जनरल ही लिखा हुआ आ रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम फादर साइड एंड दैट शुड मेड बिफोर द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग, बिल्कुल सही है कि जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है उसके पहले का बना होना चाहिए, जाति और पिता पक्ष का होना चाहिए, पति पक्ष का होगा तो आपको समस्या हो सकती है, और ये विवाहित महिलाओं के लिए है केवल। देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल का मेरे हिसाब से मान्य नहीं होगा, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर में बबल भरने में गलती हो गई है, बाद में सही फिल किया है, क्या मेरा रिजल्ट आएगा? देखिए उसमें ये मनाही होती है कि आप इरेजर या फिर आप कोई भी उस पर कटपिट आप नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपकी ओएमआर ही चेक नहीं होगी, या फिर उसमें हो सकता है कि आपकी दिक्कत हो। तो हमने आपको एक सजेशन दिया था कि रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर ये दोनों सेक्शन भरने थे, अगर दोनों में से कोई एक भी सेक्शन आपका बिल्कुल सही फिल किया हुआ है तो भी आपका रिजल्ट चेक होना चाहिए, आपका रिजल्ट आना चाहिए, पहले ऐसा हुआ है यूपी ट्रिपल एससी के रिजल्ट में भर्तियों में,
इसलिए मैं यहाँ पर श्योर होकर के आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल रिजल्ट आना चाहिए। तो बाकी देखिए, आपको भी समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना चाहिए, उसमें क्या लिखा होता है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान देने वाली होती है बिल्कुल। या कह सकते हैं कि पहले से अच्छे से हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। पीईटी फॉर्म भरते समय इंटरमीडिएट के 2010 से, देखिए आपके लिए वही है कि आपको एक शपथ पत्र देना होगा डीबी के टाइम पे कि सर हमसे ये गलती हो गई थी, हमारा ये सही है, तो इसमें हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी देखिए, जो कट ऑफ वाला है मैंने सबकी रिप्लाई दे दिया है। कट ऑफ वाला अगर मैं यहाँ पे बताने लग जाऊँगा तो कट ऑफ वाले और भी कई सारे कमेंट थे, हमने स्क्रीनशॉट पूरे नहीं लिए हैं, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कट ऑफ वाला जो हमने वीडियो बना रखा है आप उसको एक बार देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे कितने मार्क्स हैं, हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ओबीसी सर्टिफिकेट हस्बैंड की तरफ से बना है क्या मान्य होगा? देखिए दिक्कत आपको होगी यहाँ पर, क्योंकि पिता पक्ष वाला मांगा गया है तो पिता पक्ष वाला ही देना था, पति पक्ष वाला इसमें नहीं चलता है जाति के लिए। बाकी चल जाए तो अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी से बिल्कुल होपलेस हो जाएं, क्योंकि जो हो चुका है हो गया है, लेकिन थोड़ा सा नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पहले से पता होना चाहिए था, उसमें किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं हमें। संविदा वाला अंक जोड़ने के बाद जिनके भी जनरल ओबीसी में आप अगर 50+ हो गए तो फिर मुझे लग रहा है कि संविदा वाले अगर 6-7-8 हज़ार भी अगर कर्मी हो जाते तो भी आपके चांस बने रहेंगे। अगर 50+ अगर आप हैं तो, 50 से नीचे है तो फिर संविदा कर्मी अगर 4-5 हज़ार तक भी होते हैं तो भी आपके चांस रहेंगे। एक क्वेश्चन में दो गोला हो गया है तो फिर उस क्वेश्चन का जो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, रिजल्ट मई में ही आएगा। मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि रिजल्ट जून में आएगा। जून में चाहे जब आ जाए, किसी भी समय, चाहे वो जून के स्टार्टिंग में आ जाए, मिड जून तक आ जाए, जून में आना चाहिए। अगर मई में आ जाता है लास्ट मई तक तो फिर बहुत अच्छी बात है, और हो सकता है कि मई लास्ट तक रिजल्ट आपका आ भी सकता है। देखिए बिल्कुल, अगर आप जनरल की क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको ओवरलैपिंग की जाती है अन्य रिजर्व की सीटों पर, जितने भी आरक्षित वर्ग के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं। साइन चेंज हो गया है, देखिए आपको केवल नाम हिंदी में लिखना था, बाकी सिग्नेचर आप जो भी करते हैं हिंदी इंग्लिश में कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, केवल आपका नाम हिंदी में लिखा होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर में गलती हुई, अगर वो नंबर बिल्कुल अगर आपका ठीक है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या नहीं होनी चाहिए, आपका रिजल्ट चेक होना चाहिए। देखिए इसका कोई आंकड़ा नहीं है, केवल एक अनुमान हो सकता है। सर्वे में भी आप देखेंगे 1000-2000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उसमें भी बहुत सारे गलत सर्वे भी हो सकते हैं, उसके आधार पर हम चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकते हैं। रोल नंबर बिल्कुल सही है, बस रजिस्ट्रेशन नंबर गोला एक एक्स्ट्रा हो गया है, तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, आपका रिजल्ट चेक होना चाहिए। 8000 संविदा वाले हैं कम से कम, हो सकता है ऐसा। बाकी देखिए, अच्छे मार्क्स वाले भी बहुत लोग हैं, और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमारे ब्लॉक में लगभग 50 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, इसमें 40 संविदा पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा, कुछ कह नहीं सकते हैं, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर भी देखिए, इनकी भी सेम चीज़ें हैं कि जहाँ गोला जो भरना था वो दूसरा गोला गलती से भरा गया है, तो हमने इनको यही रिप्लाई किया था कि अगर आप, और इन्होंने मेल भी कर दिया है आयोग को, बहुत अच्छा प्रयास है, कर देना चाहिए तुरंत बिना किसी से पूछे। तो यहाँ पर एक काम आपको और करना था कि एक आपको और चीज़ ध्यान देना था कि अगर रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर में से अगर कोई भी अगर एक आपका बिल्कुल सही है, देखिए जो आप लिखते हैं बॉक्स में ना उसमें गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो गोला आप भरते हैं ना, गोला ही तो आपका चेक होता है ना स्कैन, तो वो बिल्कुल आपका करेक्टली होना चाहिए, सही सही। अगर ये गलती है भी तो भी अगर ये आपका सही है तो काम चल जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर दोनों में से कोई भी अगर आपका एक बिल्कुल सही से अगर आपने बबल फिल किया है तो भी आपका रिजल्ट आना चाहिए। हिंदी में साइन करने थे ऐसा रूल में लिखा था, ऐसा कहीं नहीं लिखा था, हिंदी में नाम आपको लिखना था अस्पष्ट रूप से, ये बिल्कुल मेंशन था, लेकिन आप सिग्नेचर जो करते हैं वो सिग्नेचर आपका है। रिवाइज्ड आंसर की में नंबर बढ़ना चाहिए, और मैंने आपको पहले भी इसके पहले वाले वीडियो हमने इसी को लेकर के बेसिकली उसमें बताया था कि कम से कम दो से, उसमें कौन कौन प्रश्न आपत्ति वाले हैं, ऑब्जेक्शन वाले, हमने वो क्वेश्चन भी दिखाए थे आप सभी को, और जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन में लग रहा था कि वहाँ पर स्टार यानी कॉमन नंबर मिलना चाहिए आप सभी को। चाहे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो या न किया हो, अगर आपने क्वेश्चन सही किया है, अगर मान लीजिए उसमें अभी बी ऑप्शन सही है, उसमें सी वाला भी सही लग रहा है, अभी बी है मान लीजिए सपोज दैट, और वो क्वेश्चन आपका सही हो गया, आपने नंबर मार्क्स आपके आपने जोड़ लिए अपने, फिर मान लीजिए इसमें स्टार मिल गया यानी कॉमन नंबर मिल गया, तो फिर आपको वहाँ पे कॉमन नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रश्न पहले से ही आपका सही था, आपने पहले ही उसके अंक जोड़ रखे हैं अपने मार्क्स में,
फिर आपको दोबारा से उसके अंक नहीं मिलेंगे। या तो ये प्रश्न आपका गलत हो अभी नेगेटिव मार्किंग, तो फिर ये अगर कॉमन नंबर मिलता है तो फिर आपको आपका जो नेगेटिव मार्किंग वो भी प्लस होगा, प्लस आपको इसके नंबर भी मिलेंगे। आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको फिर इसके नंबर सीधे सीधे मिल जाएंगे, ये रूल होता है। रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी जल्दी ही, अगर मई लास्ट तक रिजल्ट आना होगा तो फिर उसके पहले ही रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी। एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले ही रिवाइज्ड आंसर की आती है। बाकी देखिए डॉक्यूमेंट में शेष जो भी चीज़ें लगनी होती हैं उसमें, ऐसे तो जो आपके वही जो एकेडमिक के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर जो एक्सपीरियंस वाले अनुभव वाले हैं वो सब चीज़ें हैं, या फिर उसमें जो आरक्षित वर्ग का होता है, विशेष आरक्षित वर्ग है, ठीक है। बस उसमें ये ध्यान रखना है आपको कि ये लास्ट डेट का से पहले का होना चाहिए फॉर्म फिलअप के, जो ऑनलाइन आवेदन किया होगा फॉर्म भरा होगा आपने, लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए और वेरीफाई होना चाहिए ऑनलाइन। और जिस प्रकार से बोला गया था बनवाने के लिए उसी प्रकार से बना होना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है तो उसमें स्टेट वाला ही चलता है, चाहे कास्ट हो चाहे EWS का सर्टिफिकेट हो, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं हमने सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बनवा रखा है तो फिर हम वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। UPSI का DB अभी हुआ था, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लोग बनवा कर गए थे सबके सब जो वहाँ पे जो है मान्य नहीं किया गया है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ और भी दो चार बिंदु थे जो मुझे ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन जितने आपके कमेंट थे हमने वो सारे लिए थे, उसके आधार पर हमने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया है और अपने स्तर से जितनी बेहतर जानकारी आपके लिए हो सकती थी और आगे भी हम आपको बताएंगे। मार्क्स जो है आप सभी अपने ज़रूर शेयर करते रहें, सो दैट हम कुछ डेज बाद हम आपके लिए फिर से एक सटीक कट ऑफ का वीडियो बता सकें, थोड़ा सा और आइडिया सही लग सके। और कट ऑफ वाला वीडियो हम जो भी आपके लिए बता रहे हैं लगभग फाइनल चीज़ें आपको उसी के आसपास देखने को मिल सकती हैं। और संविदा वाला एक बार हम सर्वे कराएंगे, एक बार पोल कराएंगे एक बार, तो आप सभी को वहाँ पर भी पार्टिसिपेट करना है ताकि हमें और सटीक आइडिया लग सके। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें।